सोचो पांचों पांडव की नहीं। आप सभी को याद होगा जब महाभारत का रणभूमि जीतकर हस्तिनापुर स्वतंत्र हो जाता है, उस दरमियान में सब सुखमय जिंदगी बिताते हैं। कृष्ण को काफी वक्त हो जाता है हस्तिनापुर में। कृष्ण कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा, मैं अपने घर वापसी होना चाहता हूं। तो कुंता महारानी कहती है कि हे कृष्ण, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन अपने बुआ को भूलना नहीं, हमेशा याद रखना, और कुछ देना ही है तो इस झोली में दुख देकर जाओ। कृष्ण कहते, बुआ ये क्या कह रही हैं आप? अगर आप मेरे शरीर का आधा हिस्सा मांग लेती तो मैं अपने शरीर को बीच से फाड़ देता और आपकी झोली में डाल देता, पर आपने क्या मांग लिया। कुंता महारानी बहुत प्रेम करती थी और उनके स्मरण में रहती थी। कुंता महारानी कहती हैं कि हे कृष्ण, सुख के आगे सील पड़े, दुख में कोई नहीं तुम्हें समझेगा, सुख आएगा ना तो भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं, दुख रहेगा तो हे कृष्ण कम से कम नाम तो स्मरण होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि बुआ, आपके विचार आपके सोच पूजनीय है, काश इस संसार में सब आप जैसे हो जाते तो इस संसार का पतन नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे आज्ञा दे और मैं चलने के लिए तैयार हूं, सजीवों में जा रहा हूं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तुम मेरे साथ में चलो। अर्जुन कृष्ण के साथ में निकलता है, जाते हैं, करीब में पहुंचने वाले होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें भूख लगी है, तुम कुछ यहां से फल वगैरह का व्यवस्था कर लो, अब कुछ फल खा लो, मैं थोड़ा सा ही ध्यान में बैठ जाता हूं। जब कृष्ण ध्यान में बैठते हैं तो बहेलिया होता है, वही बाली होता है जो शिकारी के रूप में वो निशाने लगाते रहता है, और कृष्ण को देखता है कि यह मृग है, आज तो मिल जाएगा, अच्छा खासा खाने के लिए हो जाएगा, क्योंकि उसे बदला लेना था। राम अवतार में उन्होंने बाली को छल से मारा था, इसलिए उनको यहां पे पूर्ण करना था। बहेलिया निशाना लगाता है, उनके तलवे में आके लगता है और कृष्ण गिर जाते हैं। जब बहेलिया आता है, देखता है और वो बोलता है, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, हे त्रिलोकीनाथ, मेरे पास इसका उपचार भी है, आप कहे तो मैं उपचार करूं और आपको ठीक कर दूं। कृष्ण कहते हैं कि बस हो गया, तेरा मेरा हिसाब किताब यहीं पे खत्म। राम रूप में मैंने तेरा वध किया था छल से, आज छलावा मैंने तेरे ऊपर डाल दिया और तूने मेरा वध कर दिया। बस भैया, कर्म जो होता है, कर्म का भरपाई हमें किसी भी रूप में देना होता है और मैंने दे दिया है। अर्जुन आते हैं दौड़ते हुए, देखते हैं कृष्ण शरीर समेत पृथ्वी पर लेटे हुए हैं, और अर्जुन कहते हैं कि केशव, ये क्या हो गया? आपके बगैर तो हम श्वास नहीं ले सकते, हम जीवित नहीं रह सकते, तो सोचो मेरे माता जी का क्या होगा, पूरे प्रजा समाज का क्या होगा कि कृष्ण एक बाण से मारा गया। कृष्ण कहते हैं कि है अर्जुन, संसार में जो उत्पन्न होता है, जो जैसा कार्य करता है उसका कार्य कर्म में परिवर्तित हो जाता है। जब कर्म भारी होता है तो उसका हिसाब किताब हमें देना पड़ता है। सो आज मैं उस कर्म से मुक्त हो गया, अफसोस मत कर, मैं हमेशा तुम में हूं और तुम पे दृष्टि है मेरी और तुम हम में हो, हम कहीं नहीं गए। ये शरीर मिथ्या है, शरीर मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, हम तो वही है नारायण त्रिलोकी नाथ, जब भी स्मरण करेगा मैं मिलूंगा, महसूस हो जाऊंगा। लाश अंतिम संस्कार किया जाता है कृष्ण का अंतिम संस्कार किया जाता है, और जब अर्जुन अपने राज्य वापस होता है तो कुंता महारानी का दिल घबराता है, बहुत अफसोस से धड़कता है कि पता नहीं क्या हो गया, मेरे कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण को कुछ हुआ तो नहीं।
दासियां उनकी सेवा करते रहती हैं। और जब पहुंचता है अर्जुन, युधिष्ठिर देखता है और युधिष्ठिर समझ जाता है कि शायद कृष्ण रह ही रहे, और अर्जुन की जुबान से आवाज तक नहीं आ रही थी। कुंता महारानी के पास अर्जुन जाता है, कुंता की गोद में अपना सर रखता है और रखकर अंदर से रो रहा है। कुंता महारानी बोलती है कि हे अर्जुन, मेरे कृष्ण कैसे हैं, सही सलामत पहुंच तो गए? अर्जुन के जुबान से आवाज नहीं आती है। कुंता महारानी कहती हैं कि बोलो अर्जुन, क्या हो गया? अर्जुन कहते हैं कि माता, कृष्ण हमारे बीच में नहीं रहे। इतने में कुंता महारानी को एक झटका लगता है और वो जाकर दूर गिरती है और अर्जुन अलग हो जाता है और कुंता महारानी जगह पे उनके प्राण निकल जाते हैं। फिर ऐसे तैसे उनका पूरी तरह से संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। पांचों पांडव एक मीटिंग, एक सभा एकत्रित करते हैं। सभा में कहते हैं, जिसके लिए महाभारत स्टार्ट हुआ, जिसके लिए महाभारत के लिए हमने इतनी लड़ाई लड़ी, हसीनापुर स्वतंत्र करने के बावजूद इस राज्य में हम राज भोगने के लिए ये सब सारी चीजें कर रहे हैं। भैया, जब हमारे बीच में कृष्ण नहीं रहे, जो स्वयं त्रिलोकीनाथ, वो चाहे तो अपने आप को बचा सकते हैं, पर यह शरीर मिथ्या है। हम लालच के वश में आ गए हैं और लालच के भाव में आने के बावजूद हम लालची बन गए। ऐसी लालच हमें नहीं चाहिए, ऐसी लालच हमें नहीं चाहिए। हम इस लालच से अलग होना चाहते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि क्या विचार है? तो बोले, इस राज को जब हमने हासिल किया था तो हमें अब अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे बीच में कृष्ण थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे, हम इसे त्याग देंगे और उसी हिमालय में जाकर अपने आप को टकरा कर उसमें प्राण त्याग देंगे, क्योंकि हम जीवित तो नहीं रह सकते। हमारे बीच में कृष्ण नहीं है तो हमारे जीने का मकसद नहीं है। युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है, तुम्हारे के राज्य को वहां अपने प्रजाओं में बांट देते हैं। प्रजाओं में बांटने के बावजूद क्या किया उन्होंने? निकल गए, हिमालय की यात्रा करने लगे। कहीं भीम गिरता है, तड़प के मर जाता है, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। कहीं द्रौपदी गिरता है, तड़प के मर जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार। ऐसे इसी प्रकार से सभी भाइयों का अंतिम संस्कार किया। और युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर को कुछ नहीं हुआ। उस शुरू से लेकर एक कुत्ता उनके साथ में लग जाता है और कुत्ता जाते रहता है। ये पांचों भाई जो है, चारों भाई चले जाते हैं। अब बचता है अकेले युधिष्ठिर। जब कैलाश की यात्रा करने लगता है, जब जाने लगता है, ऊपर चढ़ने लगता है, तो इंद्र स्वयं अपना विमान लेकर आते हैं और कहते हैं कि युधिष्ठिर, आप पुण्य आत्मा हो, आप शुरू से लेके अभी तक का कोई पाप नहीं किया, तुम्हारे कर्महीन नहीं हुए हैं, इसलिए मैं आपको लेने आया हूं। आप विमान में बैठे और मेरे साथ में चले। युधिष्ठिर कहता है, जो मेरे अपने थे वो तो साथ छोड़ चले, जो मेरे अपने थे वो साथ छोड़ चले, इस विमान की व्यवस्था मुझे नहीं है। बहुत निवेदन करने लगते हैं युधिष्ठिर से, और फिर ये कहते हैं कि मेरे अपने साथ छोड़ दिए थे, परंतु ये कुत्ता है मेरे साथ में, इससे पूछो, तुम्हारे विमान की आवश्यकता इसे है? अगर ये तुम्हारे विमान में चढ़ जाएगा तो मैं अवश्य आऊंगा। जब कुत्ते को कहते हैं कि आइए प्रभु, अंदर आइए, विमान में आइए, तो कुत्ता भी नहीं जाता। तब कहते हैं, जब इस विमान की व्यवस्था इस कुत्ते को नहीं चाहिए तो मुझे क्यों चाहिए? तब वही कुत्ता यमराज बन के प्रकट होता है और बोलता है कि हे युधिष्ठिर, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और मैं देख रहा था कि आपके अंदर कब ईर्ष्या भाव उत्पन्न होगा, कब देवताओं के प्रति तुम्हारा क्रोध उत्पन्न होगा, और मैं तुम्हें अपने साथ में लेके चले जाऊंगा, मतलब
तुम्हें गलत करना होगा, परंतु आप गलत नहीं हो। इस पूरे भारतवर्ष में एक राजा ऐसे युधिष्ठिर थे कि कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि जिस भोग विलास के लिए, माया के लिए हम लालच करते हैं, करप्शन करते हैं, एक दूसरे को हम गिराने के चक्कर में पड़े रहते हैं, उसे जेल में डालने के चक्कर में रहते हैं, उसे गोली मारने के चक्कर में रहते हैं, क्यों? आपको लगता नहीं है राम ने एक गलत काम किया था, बालिका वध किया था और उसका परिणाम कृष्ण अवतार में मिला। तो किस माया में फंसे हो आप लोग, किस दुनिया में हो? कोई दुनिया तुम्हें संभालने वाली नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है, उसका कोई तुलना नहीं है सत्यता के प्रति। सत्य में सत्यता दिखती है और जो सत्य होता है वो सिद्ध पुरुष होता है, और जो सिद्ध पुरुष होता है वही परमात्मा होता है, क्योंकि परमात्मा ऑलरेडी उसके अंदर है, वास कर रहा है। हम आज लालच में पड़े रहते हैं, अरे ये लड़की को मैं अपने वश में कर लूं, ये लड़के को अपने वश में कर लूं। मूर्ख प्राणियों को ये नहीं पता है कि तुम्हारे लिए कोई अलग व्यवस्था बनी होगी, कोई अलग तुम्हारी लाइफ में आने वाली होगी, तो उसके लिए भी थोड़ा सा वक्त संभालो, खंडित मत हो जाओ, एक दूसरे के अंदर ऐसे लिप्त मत हो जाओ कि अपने आप को खंडित कर दो, पवित्रता को भंग कर दो। सनातन हमें यह नहीं सिखाता कि हम कुदृष्टि किसी के ऊपर देखें या लगाएं। सनातन हमें यह नहीं सिखाता किसी के साथ में छल करें, कपट करें। सनातन हमें यह नहीं सिखाता कि गरीबों के साथ में बदसलूकी करें, यह नहीं सिखाता। ठीक है, तो यही रहा कृष्ण का द्वारिका। अब कृष्ण को देखो, कृष्ण की लीला भी बहुत अजीब था, लीला अजीब था। वृंदावन छोड़ने से पहले कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को आह्वान किया, विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं और विश्वकर्मा जी आते हैं, बोलते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझे बुलाया है, क्या कारण है, क्यों बुलाया है आपने? कृष्ण कहते हैं, द्वारिका एक राज्य बनाना चाहता हूं, वृंदावन छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे इतने भाव में पूर्ण होकर मेरे अंदर लीन हो गए हैं लोग, और इनको थोड़ा सा उस भाव से निकालना पड़ेगा। संसार में जन्म लिए हो तो संसार के सारे व्यवस्थाओं में पलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कृष्ण हूं और तुम मुझ में रम जाओ, मैं हमेशा तुम में हूं, तुम मुझ में हो, परंतु संसार के कुछ नियम है, उन नियमों में ढलना होगा, इसलिए मुझे अपना राज्य बनाना होगा। द्वारिका नाम का एक नगरी में बसाता हूं, उसे मैं अपना रहूंगा, उसी में सारे राज्य और सारे लोगों का देखभाल करूंगा। तो बोले, ये द्वारिका बनेगा कहां? तो कहते हैं, आप जाओ सौराष्ट्र जाओ, समुद्र महाराज को इतना कह देना कि हे समुद्र महाराज, त्रिलोकीनाथ ने कुछ भीख मांगी है जमीन आपसे, अपने रहने के लिए आवाज बनाना चाहते हैं। समुद्र महाराज के पास जाते हैं विश्वकर्मा जी, जाते हैं और उन्हें आह्वान करते हैं। समुद्र महाराज आते हैं, कहते हैं कि हे समुद्र महाराज, सौराष्ट्र के नगरी में थोड़ी सी जमीन आपकी चाहिए, जो समुद्र से पानी को कम कर दीजिए, पृथ्वी को ऊपर कर दीजिए। बोले, किसके लिए चाहिए? बोले, कृष्ण के लिए चाहिए। तो बोले, अहो भाग्य हमारे जो त्रिलोकीनाथ ने मुझे इस लायक समझा। तो समुद्र महाराज कहते हैं, ठीक है, उन्होंने जमीन ऊपर कर दिया, जमीन ऊपर कर दिया। फिर कहते हैं, इतना ठीक है, पर्याप्त है कि और कुछ? बोले, नहीं, बस इतना ही। तब कहते हैं कि ठीक है प्रभु, आप त्रिलोकीनाथ के लिए यहां पे महल बनाएं, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझसे उन्होंने कुछ मांगा है, त्रिलोकीनाथ ने मांगा है। तब समुद्र महाराज को कहते हैं विश्वकर्मा जी कि हे समुद्र महाराज, त्रिलोकीनाथ ने एक बात और बोली है कहने के लिए। तो बोले, क्या? बोले, जब तक मैं इस धरातल पर जीवित रहूंगा, जब तक ये जमीन इस महल का पूरा वैसे का वैसा रहेगा, जिस दिन मैं यहां से चले जाऊंगा, तो इसे समुद्र महाराज अपने गोद में समा लेना।
समुद्र महाराज के दिमाग हिल जाते हैं, दिमाग हिल जाते हैं और बोलते हैं ये क्या कह रहे हैं आप, त्रिलोकीनाथ यहां रहेंगे और उनके जाने के बाद इनकी जमीन को मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, मैं मेरे से बड़ा पापी कौन हो सकता है, ये दुशासन नहीं कर सकता मैं। कहते हैं ये उनकी आज्ञा है। जब देह त्यागते हैं समुद्र महाराज कथा के अनुसार उस पृथ्वी को समुद्र में डुबा देते हैं, आज तक उसके निशाने मिलते हैं पर कृष्ण के आवास नहीं मिलते। तो त्रिलोकीनाथ यही कहते हैं, उनका कहने का तात्पर्य भी यही था कि संसार में मन के भाव को समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही समझ पाएगा। इस संसार में सब लालची है, कुकर्मी है। जिस सरजमी पे मैं सोया हूं, जिस महल में मैं रहा हूं, जिस महल में पूरे प्रजाओं का देखभाल किया हूं, क्या उस महल में कोई पापी इंसान जाए और उस पर पैर रखे, ये शयन होगा। जहां त्रिलोकीनाथ के कदम पड़े हैं, जहां पे उनकी यादें बसी पड़ी है, वहां क्या कोई पापी जाके रहेगा, द्रोणाचार्य जाके रहेगा। इसलिए कृष्ण की ना ही सोच रखो, विचार रखो, हम कृष्ण नहीं बन सकते, पद्धति पे नहीं चल सकते, सम्मान तो कर सकते हैं, ये होनी चाहिए। तो कृष्ण क्या थे, क्या है, क्या रहे और क्या किए, ये सब लीला आप सभी ने देखा है। बस उनके स्मरण मात्र से स्मरण कर लो, नाम ले लो, इस भव सागर से जाने के रास्ते मिल जाते हैं, जितने बंद है उतने उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लवम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लवम। हो कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम अर्जुन के जैसे बुलाते नहीं। हो कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम द्रौपदी के जैसे बुलाते नहीं। यही है भाव, यही है भक्ति, यही है विचार, यही है ज्ञान। इन ज्ञान को छोड़कर अंधकार में जो फंसता है वो अंधकार में, अंधकार की खाई में गिरता जाता है, उसे कभी भी सूर्य की रोशनी नहीं मिलती।